अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अहमद है और मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन एंड एक आर्टिस्ट हूँ बाय पैशन. एंड आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ कैंसर कॉन्करर एंड अ विनर. और मैं खैरपुर से मीरठ से ताल्लुक़ रखती हूँ. आई वॉज़ बॉर्न देयर बट वी मूव टू कराची 28-29 ईयर्स अगो और तब से मैं यहीं पे ही रह रही हूँ. और अभी मैं नौकरी करती हूँ. और मुझे हाल ही में जो है कैंसर डायग्नोज हो गया था और जिसका बहुत ही हार्श और बहुत सिवियर किस्म का इम्पैक्ट आया था मेरी ज़िंदगी पे, मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगियों पे. बट जब बंदा ठान लेता है और रब पे तवक्कल रखता है तो वो मुश्किल मरहलात से निकल आता है अपनी विल पावर के ज़रिए, अपने प्यारों की दुआओं के ज़रिए. बस सिर्फ आपको उम्मीद होनी चाहिए और आपको तवक्कल करना चाहिए पूरा. तो मुझे लास्ट ईयर अगस्त में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर था जिसका स्टेज 3 था, एडवांस कैंसर था. और जब मुझे पता चला था तो मेरी ज़िंदगी समझे बस ऊंच, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये क्या हो गया है. पूरी ज़िंदगी मेरी हिल के रख गई थी और बहुत ही मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए डायग्नोज हुआ था. क्योंकि जब आप कैंसर का लफ्ज़ सुनते हो तो आपको जो दूसरी सोच आती है कि मैं मरने वाली हूँ कैंसर के बाद, मैं मरने वाली हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है क्या है. तो मुझे सिर्फ 2 दिन बीच में मिले थे कि उस दो जब मुझे पता चला था कैंसर है, स्टेज का नहीं पता चला था. तो मुझे 2 दिन मिले थे जिसमें मुझे बोन स्कैन कराना था, सीटी स्कैन कराना था. मेरे पास 2 दिन थे, मैंने अल्लाह से बहुत जिक्र किया, अल्लाह पे तवक्कल किया. मैंने सोचा कि ठीक है अल्लाह मियाँ, अगर तेरे पास ही आना है मुझे तो मेरे लिए आसानी करना, मेरे लिए मुश्किलात ना हो, मुझे तकलीफ़ ना हो, ऐसी डेथ ना मैं मरूं के जो मुझे अपने सराउंडिंग्स का पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, अनकॉन्शियस हूँ. बिकॉज़ आई हैव लॉस्ट अ बेस्ट फ्रेंड एंड अ नीस टू कैंसर, सो आई नो हाउ पेनफुल इट इज़. इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, योर फिज़िकल हेल्थ, यू आर नॉट द सेम पर्सन. तो मैंने वो चीज़ देखी थी और ऑब्वियसली मेरी फैमिली के लिए भी वही थी स्ट्रगल की ये चीज़ ये न्यूज़ एब्जॉर्ब करना. एंड दे वर स्केयर्ड के मेरी नीस जन्नत की तरह मैं भी मेरा भी कुछ नहीं हो सकेगा. बट फॉर्चुनेटली जब मेरी रिपोर्ट्स आई उसमें पता चला कि स्टेज 3 का कैंसर है जो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, सिर्फ लिम्फ नोड्स में था, 2 लिम्फ नोड्स अफेक्टेड थी और ब्रेस्ट में था और साइज़ बहुत बड़ा था ट्यूमर का, 8 सेंटीमीटर. और पता चल गई खबर तो फिर मेरी फैमिली बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी कि अब क्या कैसे होगा, ये बच्ची कैसे वो करेगी. मैं माशाल्लाह 6 भाइयों की एक बहन हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं, तो मुझे बहुत लाड प्यार माशाल्लाह दिया गया है सब सही वैल्यूज़ के साथ. तो जब मुझे ये चीज़ हुई, जो बंदा बुखार और सर दर्द में भी सबको बताता रहता है अपनी माँ को भाइयों को, तो उसके लिए ये कैंसर की खबर जो है उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं था. लेकिन बस जब आप ठान लेते हो, इरादा करते हो, अल्लाह से मदद मांगते हो तो अल्लाह मियाँ आपको आपके गुमान के हिसाब से आपकी मदद करता है. तो मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मुझे हिम्मत दे कि मैं मुकाबला कर सकूँ इस चीज़ का और मेरी फैमिली कभी उनको बैड ना फील होने दूँ कि मेरी सफरिंग में वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बहुत किया, मेरे बड़े भाई ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. मैंने अपने कीमो सेशंस का भी मुझे पता था कि मेरे बाल चले जाएंगे, आपकी बॉडी में बहुत किस्म की चेंजेस आती हैं, वो सारी चीज़ें. और इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि बंदा बता नहीं सकता किसी को, कि आप गिनते गिनते थक जाओ. और इट्स वेरी, यू गो थ्रू एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपको 10 किस्म के हेल्थ के मसले होते हैं. ऑल्सो अगर आप औरत हैं तो आपको औरत के हवाले से भी बहुत बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, 10 किस्म के इंजेक्शन लगते हैं काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, तो वो आसान नहीं होता. तो आप मेंटली भी सफ़र करते हो, फिज़िकली भी सफ़र करते हो. इग्नोर नहीं करें सिम्टम्स को, इग्नोर नहीं करें. मुझे बीमारी से पहले बहुत ही फ्रीक्वेंटली बुखार होता था, नज़ला रहता था, मैंने बड़ा लाइटली ले लिया, कभी चेस्ट में पेन भी रहता था तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गया था. मैंने अपनी एक फिजिशियन को दिखाती थी, उनको मैंने चेस्ट पेन का भी बताया तो वो मुझे कहती थी कि ये शायद तुम्हें स्ट्रेस से रिलेटेड है या कुछ. तो उन्होंने ईसीजी कराई मेरी 2 बार और मेरी ईसीजी हमेशा क्लियर आई है.
तो अगर शायद अवेयरनेस होती तो मैं फ़ौरन जाके सर्जन से मिलती, ब्रेस्ट के सर्जन से, जो मैं इस मकाम तक आज नहीं पहुंचती। बट ये कि बस घबराए नहीं, और सिर्फ 1 महीना जिसमें आपको आगाही दी जाती है, मुझे लगता है सालों साल इस तरीके की कैंपेन्स होनी चाहिए, और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से नहीं, और भी किस्म के जो कैंसर है उन सब के। और हमें कभी अपने सिम्टम्स को लाइट नहीं लेना चाहिए जो भी है। ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जो है डर में निकाल दें कि ये मुझे है तो मुझे कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। बट ये कि आप उसको इग्नोर नहीं करें, अगर वो बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग रही है, जैसे मुझे बहुत जल्दी जल्दी बुखार रहता था, बहुत जल्दी जल्दी फ्लू रहता था, और मैंने लाइटली लिया कि मेरे वहमों में कमान में भी नहीं था, तो बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें।